दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे बजाज हाउसिंग के आईपीओ को। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम हमें अलॉटमेंट देखने को मिल चुका है, कल शाम को अलॉटमेंट आया था, इन कई भाई लोगों को अलॉटमेंट मिला है, इन कई भाई लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो इस वीडियो में एक तो हम लेटेस्ट जीएमपी चेक करने वाले, क्या पैसा डबल होने वाला है, एंड यहाँ से भी टाइम क्यूआईबी की तरफ से कितनी डिमांड मार्केट में, क्योंकि भाई जिस प्रकार कंपनी ने भाई ओनली फोर यहाँ पे 6,500 करोड़ रुपये मांगे थे, एंड उसके बाद भाई कंपनी को मिला है मार्केट से 3,00,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो आप समझ लो कि अभी के टाइम भाई कितनी डिमांड हो सकती है मार्केट के अंदर। लिस्ट होगा तो उसके बाद क्या जिस प्रकार प्रीमियर एनर्जी का शेयर भागा है उस प्रकार भागेगा, या लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट उठेगा, ये क्या व्यू देखने को मिलेगा वो मैं आपको स्टूडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ से क्या हमें लिस्टिंग के बाद मौका बनेगा खरीदने का वो भी हम देखने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, एंड यहाँ से क्या हमें लॉन्ग टर्म रखना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ें स्टूडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ से टारगेट क्या रह सकते हैं लिस्टिंग के वो मैं आपको कवर करके बताऊंगा। देखिए स्टॉक को यहाँ पे जो आपके आईपीओ को लेकर, तो भाई जिस प्रकार से मार्केट में पैसा आया है, मार्केट ने आईपीओ को पैसा दिया है, भाई समझ आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है, कि यहाँ से जिस प्रकार अगर लिस्टिंग मान के चलो 150 रुपये के आसपास होती है, तो उसके बाद शेयर आराम से जिस प्रकार मूवमेंट बनेगा तो 200 रुपये तक के टारगेट इजीली यहाँ पे कवर करता हुआ नजर आएगा। एक बार क्या होगा, 150 रुपये का लिस्ट हुआ तो 140 आएगा प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद फिर से अगेन बाउंस करेगा, क्योंकि भाई क्यूआईबी वालों ने सेम यही प्रोसेस आपके प्रीमियर एनर्जी में भी करी थी, रिटेल से बिकवाया था। अब यहाँ पे अगर मैं बिग टाइम आंकड़ा बताऊँ आपको, तो जैसा कि आप एक बार देख लीजिए 214 का एक लोट है जो हमें मिला है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे। अब देखो कई प्रॉब्लम ये भी चल रही है कि लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है, रिफंड आज होगा, शाम तक आपको रिफंड आ जाएगा, एंड रिफंड डेफिनेटली हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिफंड ना मिले, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेना। रिफंड की जो डेट है वो आज है यहाँ पे, यानी कि 13 सितंबर तो दूर आपका रिफंड है, वो आज नाइट तक आपका जो फंड है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अगर अनब्लॉक नहीं होता है तो आप अपने बैंक अकाउंट में संपर्क करें, क्योंकि जो पैसा है वो कटा नहीं है, पैसा आपका ब्लॉक हुआ है, तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज हम बात करते हैं स्टॉक के डाटा के बारे में। देखो दोस्तों जिस प्रकार मैंने कल के वीडियो में बताया कि डिमांड क्या है, एंड यहाँ से किसको आईपीओ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा भी सही कि क्या हुआ कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों का आईपीओ अलॉट हुआ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम था रिटेल कैटेगरी में। बाकी अगर आप देखोगे तो टोटल आईपीओ भाई हमें 67.5 यानी कि 67 लोगों में से एक को मिला है, बट रिटेल का जो कॉम्पिटिशन था वो बहुत कम था। रिटेल में ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 5 में से 1 को आईपीओ मिला है, तो कॉम्पिटिशन रिटेल का कम था। एंड वही अगर बात की जाए सबसे मेन डाटा हमारा रहता है क्यूआईबी का, क्यूआईबी 222 को, यानी कि देखा जाए भाई एक क्यूआईबी में से 222 बड़े फंड्स में से एक बड़े फंड्स को ये आईपीओ मिला है। अब आप सोचो 222 बड़े फंड्स में से एक बड़े फंड को मिला, तो भाई जो 221 बड़े फंड्स है क्या वो बाद में शेयर नहीं खरीदेंगे, जब शेयर लिस्ट होगा कंपनी लिस्ट होगी क्या उसके बाद वो शेयर को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब देखो इसमें हमने क्या देखा कि क्यूआईबी का आंकड़ा कितना है 222 टाइम्स। अब एक बार हम यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी का चेक कर लेते हैं, उसमें क्यूआईबी का आंकड़ा कितना था। प्रीमियर एनर्जी का आपको एक बार बताता हूँ मैं, प्रीमियर एनर्जी का हमें यहाँ पे कितना जो अलॉटमेंट था, मतलब जो क्यूआईबी की तरफ से कितना आया था, इसमें 222 है ना, तो एक बार प्रीमियर एनर्जी का आप यहाँ पे चेक करो, प्रीमियर एनर्जी में कितना दिया था यहाँ पे आपके क्यूआईबी वालों ने, उसमें भी भाई भर भर के पैसा लगाया था आपकी क्यूआईबी ने, तब जाके वो आईपीओ इतना हिट होता हुआ देखने को मिला था। इसमें 212 था ना, अब इसमें भी आप देख लो सेम वही यहाँ पे ऑलमोस्ट उसमें 222 है, इसमें 212 है, मतलब भाई क्यूआईबी वालों ने प्रीमियर एनर्जी से भी ज़्यादा पैसा आपके बजाज फाइनेंस के आईपीओ को दिया है। एंड रिटेल में सेम प्रोसेस ही वही 7 के आसपास उसका था, एंड यहाँ पे जो आपका टोटल था वो 75 था, ये 67 है, टोटल में थोड़ा सा माइनस है, बट भाई बड़े प्लेयर अगर उसकी तरफ से मैं डाटा बता दूँ तो क्यूआईबी की यहाँ से बाइंग ज़्यादा हुई, ऑलमोस्ट 222 गुना क्यूआईबी ने दिया है, एंड इसमें 212 ही गुना दिया है। तो आप सोच लो इसमें क्यूआईबी ने बाद में भी शेयर खरीदा, म्यूचुअल फंड वगैरह ने बाद में भी शेयर पिक किया है, एंड सेम ही यही चीज़ आपके यहाँ पे आपके बजाज जो हाउसिंग का आईपीओ इसमें देखने को मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। देखिए हमेशा मेरी बात ध्यान रखो, इस आईपीओ में क्या हुआ, यूपीआई मेथड की दिक्कत है, कि लोगों को यूपीआई मेथड ही नहीं मिला। मान के चलो मैंने आईपीओ अप्लाई किया, अब मैंने अगर घरों से किया तो मेरा मार्केट क्लोज हो गया, आईपीओ क्लोज हो गया, उसके बाद मेरा यूपीआई का पेमेंट का मेथड आ रहा है, अब मैंने उसको किया भी बट कोई फायदा ही नहीं मिला। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि मेरा यूपीआई का पेमेंट मेथड आया ही नहीं यहाँ पे, मैंने 2-3 बार लोड एक ही ग्रोह से, मान के चलो ग्रोह से मैंने 2-3 बार अप्लाई कर दिया एक साथ कैंसिल करके, फिर कैंसिल करके, तो वो सबसे बड़ी गलती रही है यहाँ पे, कि आपको कोई भी आईपीओ अप्लाई करो कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वही टाइम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो भाई रिकॉर्ड तोड़ ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 115 तक के आ चुके हैं, यानी कि भाई ग्रे मार्केट डायरेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि डिमांड है भाई। मैंने बताया ग्रे मार्केट प्रीमियम डायरेक्ट रिटेल को हिट नहीं करता है, ये डायरेक्ट क्यूआईबी को हिट करता है, क्यूआईबी की डिमांड को हिट करता है। तो सीधा समझो कि क्यूआईबी का अगर सिस्टम ज्यादा होता किसी भी आईपीओ में तो आईपीओ सबसे बेटर है, क्योंकि हमारे पास इतना रिसर्च का मतलब जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं है, बट क्यूआईबी के पास डायरेक्ट कंपनी से संपर्क रहता है, उन्हें पता रहता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कैसी है, क्या कर सकती है, कंपनी की विजन क्या है, तो वो पैसा अगर लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि डिमांड कैसी है मार्केट में। अगर वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि शेयर 150 मिलेगा 200 मिलेगा, फर्क उनको पड़ता है, भले अभी के टाइम अगर मिलता तो बेटर था, अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, रिटेल से बिकवाएंगे यहाँ पे माल। रिटेल जैसे आईपीओ लिस्ट होगा पैसा डबल हुआ, कई लोग निकालेंगे, निकालने के बाद भाई फिर से वो शेयरों को उठाएंगे, एंड देख लेना शेयर बनेगा क्या, शेयर रॉकेट बनेगा लिस्ट होने के बाद। ये शेयर कम से कम लिस्ट होने के बाद हमें कम से कम आप मान के चलो मैक्स जो कम से कम 20% तक के रिटर्न तो हमें ये निकाल के दे जाएगा, 20% रिटर्न तो यहाँ पे निकल जाएंगे लिस्ट होने के बाद। जिस प्रकार क्यूआईबी का संकेत है एंड ग्रे मार्केट का संकेत है कि भाई 150 रुपये पे लिस्ट हो रहा है डायरेक्ट यहाँ पे आके, तो 150 से ऊपर भी हो सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 160-170 भी लिस्ट हो सकता है, एंड इससे कम भी हो सकता है, बट क्यूआईबी की जो डिमांड है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम को हिट करती है, यानी कि वो इसको बढ़ाती है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, तो ये अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अभी टाइम अगर मैं बताऊँ तो क्या स्ट्रेटजी रखें, तो मेरे हिसाब से अगर आईपीओ मिलता है, आपको मिल चुका है आईपीओ आपको यहाँ पे, तो आप रुक सकते हो, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट अगर आप ये सोचते हो कि भाई चलो मेरे को लिस्टिंग लेनी चाहिए ना, तो डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेन लेकर बाहर भी निकल सकते हो। रही बात यहाँ पे क्या अप्लाई कर, मतलब आईपीओ लिस्ट होने के बाद क्या पैसा लगाना चाहिए, डेफिनेटली आप लगा सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर लिस्ट होने के बाद नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो पूरा अमाउंट एक साथ मत लगाना, और स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना। ऐसे नहीं कि आप लेके ही बैठे रहे, अगर आप लगाते हो तो फिर अगर नीचे आता है तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप लगा के फिर 2% 3% लॉस हो रहा बाहर निकल गया, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी आप रखिए, एंड यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म बेसिस खरीद रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को छोड़ कर कंटिन्यू अपडेट्स।